Good morning, dear students. Now the next topic which I am going to start is complex permanent tissue. In my previous video, I told you about simple permanent tissue, but complex permanent tissue are made up of many types of cells. They are of two types, xylem and phloem. Xylem, it help in conduction of water and minerals from roots to different parts of the plants. बेटा जैसे हमारा ये प्लांट है, जैसे ये प्लांट है, इसकी रूट होंगी बेटा, मैं ऊपर से तोड़ के लाई हूँ, इसके अंदर वाटर एंड मिनरल्स बेटा इसमें से जा रहे हैं, वो वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू जा रहे हैं, वो जाइलम के थ्रू जा रहे हैं बेटा. सपोज दिस इज द स्टेम, द इनर पार्ट, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, दिस इज नोन एज द जाइलम. जैसे मैं इसमें दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं कुछ पोर्शन इसका काट दूँ सो दैट आई कैन मेक इट क्लियर टू यू. आप ये देखो, ये जो ऊपर का हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको तोड़ती हूँ बेटा, जो इसके अंदर ये जो हार्ड पोर्शन आ रहा है, आप देख सकते हो ये अपर लेयर अलग होगी और ये अंदर जो इसके ये हार्ड पोर्शन है बेटा, वुडी वुडी टाइप का है. जैसे हम इसको ट्विस्ट करते हैं तो टूटता नहीं है इतनी जल्दी, है ये स्टेम टूटती नहीं है. ये जो अंदर का पोर्शन है बेटा, दिस वन, दिस इज नोन एज द जाइलम. इसका रोल क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सपोज नीचे रूट्स हैं, फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ऐसे ही इसमें वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से एब्जॉर्ब होते हैं बेटा, जाइलम से आएंगे और आते हुए इधर लीव्स तक पहुंच जाते हैं, और ये कहाँ तक पहुंचते हैं, इसकी वेन्स तक, उसमें भी जाइलम एंड फ्लोएम है. ठीक है, तो इधर जाइलम के थ्रू पहले वाटर एंड मिनरल्स पहुँचते हैं सो दैट ईच सेल ऑफ द लीफ कैन गेट वाटर एंड मिनरल. जब हर सेल के पास वाटर एंड मिनरल पहुँचता है तो उधर फूड प्रिपेयर होता है बेटा. सो इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नंबर टू, इट हैज फोर एलिमेंट्स बेटा, ट्रैचिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. मीन्स इसके पास चार टाइप के एलिमेंट्स हैं और चार फोर एलिमेंट्स और फोर टाइप के सेल्स प्रेजेंट है जो ये वाले हैं. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव थिक वॉल्स, इसकी दीवारें थोड़ी सी थिक होती हैं. एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ऑल अदर एलिमेंट्स आर डेड. मीन्स जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसमें ये लिविंग है और ये तीनों क्या है, ऑल द थ्री आर डेड. ट्रैचिट्स एंड वेसल्स हैव बीन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. इसके अंदर बेटा ट्रैचिट्स एंड वेसल्स होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में हेल्प करते हैं मूव करने के लिए. पैरेन्काइमा का काम है स्टोर फूड एंड हेल्प इन साइडवे कंडक्शन. बेटा अगर साइड में अगर फ्लोएम है तो उसको भी तो वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, तो साइडवे कंडक्शन में कौन हेल्प करता है, जाइलम पैरेन्काइमा. एंड द रोल ऑफ जाइलम फाइबर इज टू सपोर्ट, ये सहारा देता है जिससे कि टहनी जो है आपकी खड़ी रहे, वो नीचे ना झुके, अदरवाइज नहीं तो टूट जाएगी. तो अब आप सोच सकते हो कि ये जो वुडी पोर्शन है ये कितना हेल्पफुल है. अगर मैं इसको पकड़ी हुई हूँ तो ये किसके कारण स्ट्रेट है, ड्यू टू जाइलम प्रेजेंट इन इट. और स्पेशली सपोर्ट कौन दे रहा है, जाइलम फाइबर विच गिव्स द सपोर्ट. नाउ द नेक्स्ट इज फ्लोएम, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. बेटा स्टेम जैसे ये है, इसके अंदर फ्लोएम कौन सा होता है बेटा, ये जो अपर पार्ट है इसका आप देख सकते हो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, दिस वन इज कॉल्ड द फ्लोएम. इसका क्या रोल है बेटा सुनो, जो लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर हो गया, लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर हो गया, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मीन्स इधर से चल के इधर से जाके फूड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा. लेकिन जाइलम के केस में द फूड इज ट्रांसपोर्टेड ओनली फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आते, मीन्स वन वे ट्रांसपोर्टेशन है.
but here the food is transported in upward as well as in the downward direction. बेटा अगर लीफ ने फूड बनाया तो नीचे रूट्स को भी तो चाहिए थिक होने के लिए, ठीक है, तो नीचे रूट्स को भी चाहिए, इधर ये स्टेम को भी चाहिए. तो फूड जो है ना नीचे भी आता है, ऊपर भी आता है और वहाँ भी जाता है. जैसे फ्रूट बन रहा है, फ्रूट का साइज बड़ा होना है, फ्लावर बनना है तो पहले फ्लावर बनेगा उसके बाद फ्रूट बनेगा. तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये दोनों डायरेक्शन होते हैं, इन द अपवर्ड एज वेल एज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ फोर एलिमेंट, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. सीव ट्यूब्स इसमें से हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. सीव ट्यूब्स की परफोरेटेड वॉल्स होती हैं, उसमें होल्स होते हैं दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर ऑल अदर एलिमेंट्स आर लिविंग. फ्लोएम फाइबर को छोड़ के ऑल अदर एलिमेंट्स आर लिविंग मीन्स इसमें से फ्लोएम फाइबर क्या है, दैट है, और बाकी तीनों क्या हैं, लिविंग है. और जाइलम वाले में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसमें जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है और बाकी तीनों डेड है. इसमें सभी लिविंग है, सिर्फ ये जो फ्लोएम फाइबर दिस वन इज डेड. आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा पेड़ के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, जैसे ये ट्री की ट्रंक ऑफ द ट्री है, इस पे कट लगा करके ऐसे इसके अंदर नंबर लिखे होते हैं, जैसे 417 नंबर लिखा है. आफ्टर सम डेज व्हाट यू फाइंड दैट और सम इयर्स कि देयर इज अ स्वेलिंग है, इधर स्वेलिंग हो जाती है, आपने देखा होगा. ऐसा क्यों बेटा? ये जो नंबर लिखा होता है ये लिखा होता है जाइलम के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीच के हिस्से में जाइलम होता है और आसपास वाले हिस्से में फ्लोएम होता है जिससे फूड ट्रांसफर होता है. तो जाइलम के ऊपर अगर हम नंबर लिखते हैं तो फ्लोएम के थ्रू जब फूड आता है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे ही फूड इधर आता है तो इधर आकर एक्यूमुलेट हो जाता है बिकॉज फर्दर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मीन्स आगे जाने का रास्ता नहीं है. तो इधर भी एक्यूमुलेट हो जाता है, इधर से आकर इधर चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है ऑल द फोर साइड्स. तो जाइलम के पास धीरे धीरे करते करते ये नंबर छिप जाता है, तो जाइलम के ऊपर ये पूरा नंबर छिप जाता है और ये कवर अप हो जाता है. क्यों? बिकॉज फूड गेट एक्यूमुलेटेड ऑन दीज साइड्स. ओके बेटा, सो दिस इज द रोल ऑफ फ्लोएम हियर टू ट्रांसपोर्ट फूड. आप अपने YouTube चैनल खोल के या फिर गूगल पर जा करके आप हंग्री ट्रीज को खोलना बेटा, उधर हंग्री ट्रीज में आपको दिखाई देगा कि कैसे फ्लोएम जो है किसी चीज के ऊपर अपने आप को कवर कर लेता है. बेटा टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड that in case of plants there are two types of tissue. plants में दो type के tissue मैंने बताए थे, meiosmatic tissue and permanent tissue. but there is one more tissue that is known as the protective tissue. now what is protective tissue? the role of the protective tissue is to protect the plants from the external environment. तो ये third type का tissue जो मैं आपको बताने जा रही हूँ protective tissue. उसका काम है प्रोटेक्ट करना. प्लांट बॉडी इज कवर्ड बाई एपिडर्मिस बेटा, द होल प्लांट बॉडी, जो पूरी की पूरी आपकी प्लांट बॉडी होती है उसके बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस की लेयर होती है. अगर आप लीफ भी देखते हो, लीफ का जो अपर वाला हिस्सा होता है, ऐसे अपर वाला और लोअर वाला हिस्सा, अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज देयर. ये मैं आपको वो पोर्शन दिखा रही हूँ कि अगर मैं इस लीफ की थिकनेस लेती हूँ तो अपर लेयर में भी एपिडर्मिस है और लोअर लेयर में भी एपिडर्मिस है. तो ये अपर लेयर है एंड दिस वन इज़ अ लोअर लेयर. अपर लेयर हैज़ अ एपिडर्मिस. दिस इज अ दीज आर द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, अ सिंगल लेयर. द आउटर पार्ट ऑफ द सेल्स, एपिडर्मिस सेल्स आर थिक while the inner are thin
एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स. एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. ये सिंगल लेयर है सेल्स की. नेक्स्ट, इन लीव्स एपिडर्मिस सीक्रेट वैक्सी सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट द लीव फ्रॉम. लीव्स में देखना आप क्या देखते हो कि जो लीव्स का जो अपर पार्ट होता है वो शाइनी होता है, उसमें चमक होती है बेटा. क्यों? बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द लीव्स के अंदर एक वैक्सी, ऊपर वैक्सी लेयर होती है सीक्रेटेड बाई द केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड बाई द एपिडर्मल सेल्स. जो एपिडर्मल सेल्स है केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिससे कि अपर लेयर जो होती है वो वैक्सी बन जाती है बिल्कुल स्मूथ. उसका क्या फ़ायदा होता है? वो लॉस ऑफ वाटर से बचाती है कि जिससे कि पत्ते के अपर सरफेस, बिकॉज अपर सरफेस इज टूवर्ड्स द सन, तो लॉस ऑफ वाटर से प्रोटेक्ट करती है. नहीं तो वाटर लॉस हो जाएगा, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी प्लांट के अंदर. इन्वेशन बाय अ पैरासिटिक फंजाई. इन्वेशन मीन्स आक्रमण. कोई पैरासिटिक फंजाई से कोई फंगस ऊपर ना जाए. पैरासिटिक मीन्स जो दूसरे लिविंग थिंग्स के ऊपर रहते हैं. तो इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंजाई से बचाती है. एंड नंबर 3, मैकेनिकल इंजरी. बाई चांस कुछ टूट फूट हो जाए, कोई हाथ मार दे, कोई चीज़ इंसेक्ट आ जाए, कोई हवा तेज आ जाए, कोई डंडा गिर जाए, कुछ भी गिरे उसके ऊपर, वो मैकेनिकल इंजरी से भी उसको प्रोटेक्ट करती है. देन डेजर्ट प्लांट के अंदर जो थिक लेयर होती है, एपिडर्मिस की भी थिक लेयर होती है और उसके ऊपर एक और वैक्सी लेयर आ जाती है जिसे हम क्यूटिन बोलते हैं. क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो वैक्सी कोटिंग देता है और लॉस ऑफ वाटर से बचाता है. क्योंकि बेटा डेजर्ट प्लांट्स के अंदर पानी की शॉर्टेज होती है, आपको पता होगा डेजर्ट में इट हैज़. और उनके जो लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड इन टू स्पाइंस. स्पाइंस में होते हैं जिससे कि लॉस ऑफ वाटर कम हो. नेक्स्ट इज स्टोमेटा. बेटा लीफ का जो लोअर पोर्शन है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जैसे ये लीफ है, इसके नीचे वाले हिस्से के अंदर स्मॉल ओपनिंग होती है, जैसे ये मैंने बनाया है, या फिर मैं इसको दूसरे फॉर्म में अगर बनाती हूँ, सिर्फ लोअर सरफेस बनाती हूँ मैं इसका, ऐसे करके इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं. और इसके आसपास दीज आर द एपिडर्मल सेल्स. दीज आर एपिडर्मल सेल्स, दीज आर द गार्ड सेल्स एंड हेयर इज द स्टोमेटल ओपनिंग. दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा? बेटा इनको लीफ का माउथ कह सकते हैं या प्लांट का माउथ कह सकते हो, क्योंकि बेटा ये लोअर सरफेस में होता है. When the process of photosynthesis takes place, from here carbon dioxide gas enters. इधर से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करती है. ऐसे बहुत सारे होते हैं आप लोअर सरफेस में, अगर आप उसको पत्ते को उल्टा करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अगर हम पतली सी लेयर निकाल करके मीन्स पील ऑफ द लीफ अगर हम रिमूव करें और उसको माइक्रोस्कोप में देखें, तो वी विल सी लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस. तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है और रिलीज कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस पार्ट. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाइल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे टेक ऑक्सीजन. सो एंड मोर रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा हेयर? मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज द फर्स्ट रोल. एंड द सेकेंड रोल इज ट्रांसपिरेशन. अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा? आप लोग कई बार पेड़ के नीचे जब खड़े होते हो तो आपको कूल फील होता है, कूलिंग वाली फीलिंग आती है. क्यों? क्योंकि बेटा पत्तों में से, पत्तों का जो लोअर सरफेस होता है उसके अंदर से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ द लीफ से आप क्या देखते हो? गर्मी के मौसम में आप खड़े होकर देखना, आपको ऐसे लगेगा ठंडक फील हो रही है. वाई? ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ या फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीफ. पूरे प्लांट से भी होता है बेटा, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे पानी की बूंदे और वाटर वेपर. वाटर वेपर के फॉर्म में जब इनसे पानी निकलता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. तो इधर से और क्या निकलता है? जो एक्सेस वाटर हो जाता है लीव्स के अंदर या प्लांट के अंदर, वो इधर से निकलता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. सो व्हाट आर स्टोमेटा? These are small opening present on the lower surface of the leaves.
they are bounded, the stomatal pore is bounded by guard cells. They open and close during the day, means during the day they open, at night they close. And what is the role of stomata? Number one, they help in exchange of gases, and number two, they help in transpiration. क्या होता है कि जो ग्रीन हिस्सा है जैसे स्टेम का, उसमें तो स्टोमेटा हम कहते हो गए, जब स्टेम ओल्ड हो जाती है, थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, उसके अंदर छोटी छोटी ओपनिंग आ जाती है, लेंटिकल्स, तब ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है? तब ट्रांसपिरेशन लेंटिकल्स से होता है. नेक्स्ट इज रूट्स. अगर हम प्लांट की रूट्स देखें बेटा, प्लांट्स की रूट्स में भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं, बट हेयर एपिडर्मल सेल्स हैज रूट हेयर. अगर मैं एक एपिडर्मल सेल बनाती हूँ, सपोज रूट्स के अंदर क्या होता है, इसी एपिडर्मल सेल्स के अंदर रूट हेयर भी आ जाता है, मीन्स उसी के साइड से रूट हेयर निकल जाता है एपिडर्मल सेल के साइड से. वट इज इट्स रोल? इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम वाटर एंड मिनरल्स. बेटा वाटर के साथ बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, सो दैट मैक्सिमम मिनरल्स कैन बी एब्जॉर्ब बाय इट. और वो जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से इधर से आ जाता है, क्योंकि अगर मिनरल्स को ऊपर लेकर के जाना है तो मिनरल्स किसके थ्रू जाएंगे? वाटर के थ्रू जाएंगे. अब वाटर के थ्रू थोड़े थोड़े से मिनरल्स जाते हैं ना, तो एब्जॉर्प्शन तो ज़्यादा करनी पड़ती है, तो वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है जिसके साथ में मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक्सेस वाटर लीव्स के लोअर सरफेस से रिमूव हो जाता है. इन ओल्ड प्लांट्स सेकेंडरी मेरिस्टम इज रिप्लेस बाई एपिडर्मिस. आप लोगों ने पुराने पेड़ देखे होंगे बेटा, जो बहुत पुराने हो जाते हैं उनके ऊपर बार्क ऑफ द ट्रीज आ जाती है, जिसे हम कॉर्क भी कहते हैं, जो उतर के नीचे गिरती रहती है. कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब ट्री ओल्ड हो जाता है उस टाइम पर एपिडर्मिस की जगह सेकेंडरी मेरिस्टम आ जाती है. उसके बाद उसकी मैनी लेयर्स बन जाती हैं और वो हार्ड हो जाती है. उसके अंदर केमिकल सब्सटेंस होता है सुबेरिन. इसमें क्या होता है केमिकल सब्सटेंस? सुबेरिन. दिस मेक्स देम इम्परवियस टू, मीन जो इनर पोर्शन होता है इम्परवियस टू वो गैसेस एंड वाटर, मीन्स इसके अंदर से गैसेस और वाटर का आना जाना नहीं होता, उसे ब्लॉक कर देता है और अंदर वाला हिस्सा फिर उससे प्रोटेक्टेड रहता है. तो इस तरीके से एपिडर्मिस जो है ओल्ड ट्रीज में आर रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी मेरिस्टम.